इसमें खुशबू आ रही है बहुत अच्छी जस्ट वाह और इसका कलर भी एकदम वाह So आई होप welcome और वेलकम बैक टू My name नेम Simran. बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपको वुलन सूट्स दिखाने वाली हूँ बिकॉज बहुत लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि अब ठंड आ गई है प्लीज वुलन सूट्स दिखाओ सो आई है की वजह से ही काफी हैवी है तो चलो सबसे पहले से स्टार्ट कर लेते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट वन विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स क्योंकि इसका कलर मुझे स्पेशली बहुत पसंद है एंड आई रियली लाइक दिस ग्रीन और इस पे ना पूरे पे आपको ये एम्ब्रॉयडरी नहीं मिलेगी दिस इज़ बेसिकली अ प्रिंट बट आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जब भी कोई ऐसा प्रिंट होता है यू कॉन्ट वॉश दैट इन मशीन क्योंकि उससे पूरे कपड़े की बैंड बच जाती है तो प्रिंट को इंटैक्ट रखने के लिए सिंपल वॉश करना इन ईजी डिपेंड वॉश बहुत बेसिक सा एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड हिफ्जा इन द साइज मीडियम uh, दो में अगर इसके लुक की बात करूं आई थिंक गोइंग टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल जैसा कि मुझे लगता है एंड इस पर पूरे पे प्रिंट मिलेगा इस तरीके से ब्यूटिफुल स्लीव पैटर्न पूरे कुर्ते में फ्रंट में यही प्रिंट आएगा और नीचे बहुत ही प्यारा सा डिजाइन दिया गया है मुरल आर्ट है नीचे इसमें बहुत ही सुंदर सा एंड इफ़ यू लुक एट द बैक तो ये एकदम इसमें प्लेन दी गई है बस मुझे यही बात समझ नहीं आती है कि इतना प्रिंट देते हो तो यार बैक में भी दे दो ना वो प्लेन जो बैक आता है ना वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होता है बट एनी वेज लेट्स ट्राई दिस आउट और फिर मैं बताऊंगी इसका फिट कैसा है इसका कम्फर्ट कैसा है सो दिस इज द लुक ऑफ द कुर्ता और मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे तो ईयर भी मैच हो गए इससे सो आई एम रियली लाइकिंग इट इसमें फ्रंट में ना ये बटन की डिटेलिंग दी गई है विच इज़ वेरी प्रटी और मुझे तो ये कुर्ता देखने में काफ़ी अच्छा लगा फिट इज़ ऑलसो नाइस और अंदर से काफी कम्फर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि इसमें वो हल्का सा फरी टेक्सचर था ना उसकी वजह से बहुत ज्यादा सही लग रहा है एंड इट फील्स सुपर वार्म सर्दी के लिए एकदम परफेक्ट कुर्ता एंड हाइली हाईली रिकमेंड यू दिस वन बिकॉज दिस इज जस्ट परफेक्ट मैं पूरा लुक दिखाती हूं कैसा लग रहा है दिस इज गोइंग टू बी द लुक ऑफ द कुर्ता नीचे से कुछ ऐसा पैटर्न आएगा अभी मैंने अपना सिंपल ब्लैक पैंट पहना हुआ है एंड बैक से कुछ ऐसा लगेगा बैक से भी उतना वेअर नहीं लग रहा और फ्रंट से तो उसका लुक काफ़ी अच्छा रहे सो so, uh, जिन लोगों को वॉम कुर्ते पसंद है दे शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट बस इसके वॉश का ध्यान रखना बाकी इसका फिटिंग लुक दोनों बहुत सही है मूविंग ऑन टू अनदर वन लेट्स ट्राई दिस आउट दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग मतलब ब्लू कलर है अच्छा ऐसा मैंने भी थकिए वाला खोल के भी नहीं देखा है ढंग से सो इफ़ आई एम टॉक अबाउट द कुर्ता इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड आयशा इन द साइज़ लार्ज एक्चुअली मैंने इनमें से दो तीन कुर्ते अपनी मदर इन लॉ के लिए मंगाए हैं बिकॉज मुझे तो वॉम सूट्स पहनना ज़्यादा पसंद है नहीं बट शी लव्ज टू वेर तो मैंने सोचा उनके लिए ही मंगा लेती हूँ सो so, मैंने लार्ज साइज में ऑर्डर किया बट हम ट्राई ऑन डेफिनेटली देखेंगे कि कैसा लग रहा है क्योंकि एक लुक दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है जब आप खरीदते हो कुछ सो दिस इज़ द स्लीव पैटर्न जो इसमें बहुत ही सुंदर सा आता है वाइट एंड ब्लू एंड फ्रंट में अगर आप देखोगे तो इसमें भी इस तरीके से ही मिलेगा और ये इसमें वीविंग है ये कोई प्रिंट नहीं है दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आ

एंड अगर मैं इसके पैंट की बात करूँ दिस इज द पैंट विच इज़ अगेन ऑफ सेम कलर और नीचे इसमें भी डिटेलिंग दी गई है इसका फैब्रिक सुपर सुपर सॉफ्ट है दिस इज़ द बैक साइड ऑफ़ द फैब्रिक सो इट्स रियली नाइस एंड मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी वाला तो मुझे अच्छा लग रहा है बाकी पहन के पता चलेगा कि लुक कैसा आता है एंड दिस इज द स्टॉल दैट कम्स विद इट ये इन्होंने बहुत ही पतलू सा स्टॉल दिया वैसे जो हैवी कपड़े वाले होते हैं ना जितने पतले हैं उतने अच्छा क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी होंगे तो आप इन्हें कैरी नहीं कर पाओगे तो इसमें भी सेम आपको इस तरीके की डिटेलिंग मिलेगी एट द बॉटम बाकी एकदम प्लेन स्टॉल है सो so, आप इसे अलग से भी कैरी कर सकते हो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसके साथ ही इसको लो बट अलग से भी इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस चलो मैं पहन के आती हूँ बहुत बकबक कर रही हूँ आई नो वेल ये कुर्ता काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है स्पेशली फॉर वर्क इन ऑफिस आई मीन दिस इज जस्ट वाह wow! और इसका कलर भी एकदम वाह हो देखो मैं चप्पल नहीं उतार सकती क्योंकि मुझे लग रही है ठंडी बट अभी मैंने ऐसी पहनी है चलो एंड ये लो ये कुछ ऐसा लगेगा इसका पैंट का पैटर्न एंड ये काफ़ी कंफर्टेबल है अंदर से पहनने में मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और ठंडी तो मुझे एक परसेंट नहीं लग रही एंड दिस इज़ लुकिंग क्वाइट क्लासी द कलर इज़ ऑल्सो नाइस और uh, मतलब बहुत अच्छा पीस है इफ़ यू रियली लाइक सच काइंड ऑफ वुलन सूट्स यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस और पीछे से भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है आप चाहो तो इसको बिना दुपट्टे के भी कैरी कर सकते हो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस सो मूविंग ऑन टू अनदर वन एंड चलो लेट्स ट्राई ऑरेंज कलर नाउ सो दिस इज़ द ऑरेंज कलर एंड ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है बिकॉज आई रियली लाइक दिस रस्ट ऑरेंज और मतलब मुझे बहुत अच्छी वाइब आती है इस कलर में से इट लुक्स वेरी क्लासी वॉर्म स्पेशली इन विंटर्स तो ये इसका पैंट आएगा कुछ ऐसा अंदर से भी काफ़ी सॉफ्ट दिया गया है सुपर सॉफ्ट एंड बॉटम में इसमें ना लेस आएगी इस तरीके से ये थोड़ी सी ऑर्गेंजा वाली लेस दी है इन लोगों ने विच इज वेरी प्रिटी आजकल ऑर्गेंजा वाली लेस काफी ट्रेंड में भी है एंड दिस इज गोइंग टू बी द स्टॉल जिसपे भी सेम, सेम आपको इस तरीके की लेस मिलेगी ऑर्गेन्जा की फ्लोरल वाली कमिंग ऑन टू द कुर्ता द ब्रांड इज़ एल्थिया इन द साइज़ लार्ज तो ये मैंने मम्मी के लिए ऑर्डर किया है एंड इफ़ यू लुक एट द ब्यूटिफुल डिज़ाइन ऑन द नेक तो वो भी बहुत प्यारा है वो भी सेम लेस से इन लोगों ने बनाया है एंड इट इज़ लुकिंग सुपर तो ये वाला कुर्ता सेट भी काफ़ी अपीलिंग लग रहा है दिस इज इन द साइज लार्ज लेट्स ट्राई हाउ इट फिट्स एंड इसका लुक कैसा आता है आई थिंक इसमें ना नीचे हाँ नीचे भी इसमें आपको लेस मिलेगी इस तरीके से साइज़ में एंड बॉटम पल्लू पर भी मैंने well, मंगाया तो ये मैंने मम्मी के लिए था लेकिन मेरा दिल आ गया है इस पर ऊपर से जो न, ये जो साइज है ना ये साइज मेरे को बहुत सहीली फिट आया है सहीली फिट है कि हो क्या गया बहुत सही से फिट आया है मुझे ओके okay? तो अगर आपका साइज मीडियम है ऑर्डर लार्ज इफ यू आर लार्ज ऑर्डर एक्सेल इफ़ यू आर एक्सेल ऑर्डर डबल एक्सेल क्योंकि ये साइज डाउन है ये साइज अप नहीं है सो so, इस वाले सूट में ये कंसिडर करना कि अपने साइज से एक साइज ऊपर मंगाना बट दिस इज़ लुकिंग सो गुड आई मीन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दो मुझे लगता है मम्मी का तो मुझे पता नहीं बट इसको मैं रखने वाली हूँ तो so, इसका फुल लुक कुछ ऐसा आ रहा है एंड इट्स क्वाइट मतलब ये काफ़ी बॉडी uh, को ऐसे वार्म रख रहा है एंड इट इज लुकिंग वेरी क्लासी बिकॉज द डिजाइन इज सुपर एवरीथिंग इज सो गुड एंड पीछे से भी इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है काफ़ी कम्फर्टेबल स्लीवस भी बहुत अच्छी आई हैं इसकी सो आई मीन लै दिस इज परफेक्ट एनी डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए इफ़ यू वॉन्ट एनी विंटर वार्म स्टिच वाला तो दिस इज टेन ऑन टेन ચલું ના બર્ફ પે સખાઉંગે પ્યાર તુ आई लव दिस सॉन्ग आई नो आई सिंग रियली बैड बट वो इग्नोर करके तुम ये देखो ये कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता है दिस एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ कश्मीर मैं आई थिंक दो बार कश्मीर गई हूँ वो भी डेडीकेटडली कश्मीर नहीं गई हूँ आई वेंट टू ले लद्दाख और फिर वहाँ से आते हुए रस्ते में कश्मीर पढ़ा था हमें बट मैंने कभी ऐसे डेडीकेटडली कश्मीर घूमने के बाबर से नहीं हूँ बट मैंने देखा है एंड आई रियली लव दिस कश्मीरी एम्ब्रॉयड्री विच रिमाइंड्स मी ऑफ दैट प्लेस बिकॉज बहुत सुंदर जगह है यार कुर्ता इज़ अटमोस्ट कम्फर्ट क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैंने कुछ टाइट हैवी बुलंद पहना हुआ है जिस इज़ सो कम्फर्टेबल अंदर इसमें बहुत अच्छा फरी वाला फ़ील है जिस इज़ सुपर सॉफ्ट एंड द एम्ब्रॉयड्री इज़ ऑल्सो प्रटी सो इफ़ यू रियली लाइक कश्मीर वाले कुर्ताज़ तो ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगा क्योंकि जब मैंने फोटो में देखा था मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था इसमें नीचे भी एम्ब्रॉयड्री मिलेगी बट वेन आई ट्राई डिट ऑन हिज इज परफेक्ट और इस कुर्ता में मल्टीपल कलर्स अवेलेबल हैं सो विच एव यू लाइक यू कैन ऑर्डर बट आई रियली लाइक दिस वन दिस इज आई थिंक गोइंग टू बी एट मोस्ट फेवरेट एंड मैं डेफिनेटली इसको विंटर में कैरी करने वाली हूँ एक समय आता है जब सूट से ज्यादा कंफर्टेबल कुछ नहीं लगता तो ये वही समय आ गया है मेरी लाइफ का तो मैंने सिंपल सा पैट पहना है इसके नीचे एंड दैट्स हाउ द कुर्ता इज लुकिंग लाइक इट्स एब्सोल्यूटली स्टनिंग कम्फर्ट में तो ये एकदम खतरनाक है वो तो जितने मेरे को पसंद आए थे ना सब अनस्टिच थे और मैंने ध्यान ही नहीं दिया मैंने गलती से एक अनस्टिच सूट ऑर्डर कर लिया आई कैन जस्ट शो यू बट डेफिनेटली ये स्टिच का वीडियो था बट कोई मैं अनस्टिच सूट पहनती रही हूँ एज यू गैस नो क्योंकि उनको सिलवाने में मुझे थोड़ा झंझट लगता है कोई अच्छा टेलर भी नहीं है आसपास में जुम तो इसीलिए आई डोंट प्रिफर दैट काइंड ऑफ सूट्स बट ये वाला मैं अभी आपको दिखा देती हूँ समथिंग लाइक दिस एंड इस पर ये पूरे पे आपको ये वीविंग मिलेगी इसमें बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है कलर इज ऑल्सो प्रटी सो इफ़ यू रियली लाइक अनस्टिच सूट तो ये आपको ट्राई करना चाहिए बट इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला नहीं है इज़ जस्ट ओके ओके सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ट्राई इसमें बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है ये तो वो इसमें अटैच्ड आया है दिस इज़ गोइंग टू बी द शॉल जो यहाँ से अटैच स्टार्ट होता है इसमें तो ये इसके साथ शॉल आएगा विच इज़ ऑल्सो रियली नाइस द कलर इज़ वेरी प्रिटी तो अगर आप चाहो तो ये वाला ट्राई कर सकते हो अच्छा लग रहा है कलर बहुत सुंदर है एंड इसका पैंट आया है एकदम प्लेन दिस इज गोइंग टू बी द प्लेन पैंट ऑफ द सूट जो कि अगेन बहुत ही प्यारा सा कलर है गाजरी तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगेगा बट ए फल टॉक अबाउट द फैब्रिक क्वालिटी इट्स नॉट काइंड ऑफ अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो ठीक ठाक है बहुत अमेजिंग वाला वुलन नहीं है ये सॉफ्ट वाला सो इट इज़ जस्ट अ बेसिक वुलन सूट सेट अगर आपको ऑर्डर करना है यू कैन जस्ट गेट इट स्टिच लास्ट पीस ऑफ टूडेज़ वीडियो ये तो बिल्कुल भी बिल खुला है सो दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम द ब्रांड एल्थिया ये एग्जैक्टली सेम वही ब्रांड है जिससे मैंने ऑरेंज वाला ऑर्डर किया मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया ये ब्रांड एल्थिया ऑन एमेजोन और इनके पास वुलन सूट्स की इतनी वैरायटी है दे हैव प्रीमियम वुलन सूट्स जिनकी क्वालिटी जिनका डिज़ाइन एकदम ऐसा है कि आप सोच भी नहीं पाओगे अच्छा ऐसे भी वुलन सूट्स आते हैं बिल्कुल वैसे वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा लेट्स ट्राई दिस वन आउट एंड ये मैंने मंगाया है इन द साइज़ लार्ज अगेन ये भी मैंने मम्मी के लिए ऑर्डर किया था बट मुझे लगता है कि ये भी साइज़ थोड़ा सा डाउन ही होगा तो इसमें फ्रंट में ये वाला बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन आता है एंड दिस इज बेसिकली इसमें खुशबू आ रही है बहुत अच्छी तो ये मुझे बचपन की याद दिलाती है पहले ऊन में से ऐसी खुशबू आती थी तो इसमें स्लीव्स आएंगे कुछ उस टाइप के इतना सॉफ्ट है इतना सॉफ्ट है ट्रस्ट मी तो बेसिकली लेस है ये इस पे पूरे पे बहुत ही सुंदर लग रही है लेट्स सी द पैंट्स दे आर क्वाइट अमेजिंग काफ़ी शाइनी सा मटेरियल है लुक देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ शाइन और खुशबू और नीचे इसमें ये वाली लेस मिलेगी बहुत ही प्यारी सी बहुत अच्छे से लगा के दिए लोगों ने एंड इसका जो इलास्टिक का क्वालिटी है इज़ सुपर विथ्स टेन ऑन टेन हाई क्वालिटी कुर्ता सेट है भाई एंड दुपट्टे की बात करूँ तो सीधी सी बात है क्वालिटी आएगी तो पैसे बढ़ेंगे क्वालिटी डाउन जाएगी तो पैसे घटेंगे सो so, ये वाला जो आएगा बहुत ही सुंदर सा एलिगेंस सुपर सा, सुपर सॉफ्ट और इसमें मिलेगी एम्ब्रॉयडरी इसमें कोई लेस नहीं है दुपट्टे में तो काफ़ी मेहनत करी गई है भाई इस कुर्ता सेट पर सोइ इट्स डेफिनेटली वर्थ इट एंड द क्वालिटी इज़ टॉप नॉच कैसा लगा अच्छा लग रहा है ना मुझे भी बहुत ही प्यारा लग रहा है एंड गला भी इसका बहुत सुंदर सा है फिटिंग इज़ आल्सो नाइस मतलब ये ऑरेंज वाले जितना बॉडी हगिंग नहीं है तो मुझे लगता है कि ये मम्मी को आ जाएगा नहीं आए तो मैं इसको एक्सचेंज करके बड़ा साइज़ मंगाऊंगी ऑब्वियसली बट मुझे बहुत सुंदर लग रहा है द कलर इज़ सो अप्रोप्रिएट एंड मतलब शाइन वगैरह सब बढ़िया पता है एक और कमाल की चीज़ मैंने अभी नोटिस की पीछे से ब्राउन है ऐसा तो आप कभी चाहो बाई एनी चांस आप ब्राउन भी हो सकते हो बस इसमें धागे थोड़े बहुत तो आएंगे क्योंकि एम्ब्रायड्री का बैक है ये बट मैं आपको ये दिखा रही थी कि पीछे से ब्राउन है और आगे से ब्लैक है सो इट्स अ वेरी नाइस क्वालिटी स्टॉल इट लुक्स वेरी नाइस एज वेल मुझे बहुत प्यार लगा पूरा लुक दिखाती हूँ आपको इतना कम्फर्टेबल है इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है मुझे इसमें बिल्कुल भी हैवीनस नहीं है लाइट वेट है लेकिन फिर भी बहुत वॉम कपड़ा है दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल लुक ऑफ द कुर्ता एंड या दिस इज़ डेफिनेटली वर्थ है लुक एट द क्लासीनेस इन दुर्ता मुझे तो बहुत प्यारा लगाई नेवर एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ वुलन कुर्ता बिकॉज मुझे लगता था कि वुलन्स में इतने भी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं आते बट दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग तो ये वाला थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट यू विल लव इट सो दैट इट फॉर टू डेज वीडियो आई होप की वीडियो आपको पसंद आया हो मुझे तो बहुत मजा आया वीडियो करने में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ टिलेक केयर बाय बाय माई नेक्स्ट वन